इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में मचा काफी बवाल। कुछ भी आप मिस ना करें इसलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले तो संसद की सिक्योरिटी ब्रीच पर बात करेंगे। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हुए टेररिस्ट अटैक की 22nd एनिवर्सरी थी। खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि वो इस दिन या इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि संसद की नींव तो हिलाएंगे, और संसद हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। संसद की कार्यवाही जब चल रही थी तब दो लोग विजिटर्स गैलरी से अचानक लोकसभा सांसदों की सीट पर कूद गए। किसी को चोट नहीं आई लेकिन उन्होंने काला स्मोक छिड़का, संसद में धुआं धुआं हो गया। अच्छी बात यह कि टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं था। इस पूरे हमले में शामिल 6 लोग थे जिन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। इनके नाम भी सामने आ चुके हैं, विकी शर्मा, सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ललित झा, नीलम और अनमोल शिंदे। नीलम महिला है, उसकी उम्र 42 साल है, हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है, अनमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है जिसकी उम्र 25 साल है। एक है सागर शर्मा और दूसरे मनोरंजन डी हैं जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र है 35 साल और उन्होंने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। इन दोनों ने सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर संसद में एंट्री पाई थी, और संसद की सुरक्षा के चूक मामले में मुख्य आरोपी हैं ललित झा। इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया है पूछताछ के लिए। ललित ने बताया है कि किसी भी तरह से वो अपनी बात पहुंचाना चाहता था और इसके लिए 2 प्लान बनाए गए थे। अगर प्लान ए फेल भी हो जाता तो प्लान बी के जरिए संसद में सेंधमारी की जाती। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय ने 8 सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी सुरक्षा कर्मियों को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर जो जुड़ी है संसद के अटैक से ही। और इस हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ संसद में। 14 दिसंबर को दिन भर सदन में हंगामा हुआ था। लोकसभा राज्यसभा से विपक्ष के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनमें 13 लोकसभा सांसद हैं जिनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके और सीपीआई के 1-1 सांसद हैं। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे सदन शुरू तो हुआ संसद का, लेकिन लोकसभा 11:02 पर और राज्यसभा 11:09 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब बढ़ते हैं उस खबर पर जिसका सबने बड़ा इंतजार किया और काफी सरप्राइज्ड हो गए सब जब अनाउंसमेंट हुआ सीएम के नाम का इन राजस्थान, एमपी एंड छत्तीसगढ़। चुनाव नतीजों का ऐलान होने के बाद से ही एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के नाम का सभी बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे थे। पहले छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हुआ, विष्णुदेव साई बनाए गए सीएम। ही इज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड द पोस्ट एंड ही इज द फर्स्ट टू हेल फ्रॉम अ रीजन बियॉन्ड द अदर बैकवर्ड क्लास डोमिनेटेड सेंट्रल प्लेन्स इन छत्तीसगढ़। द पार्टी अपॉइंटेड विजय शर्मा एंड अरुण साव एज न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ छत्तीसगढ़। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमन सिंह विल बी द असेंबली स्पीकर। इसके बाद एमपी में ऐलान हुआ सीएम नाम का जो काफी सरप्राइजिंग रहा। मोहन यादव को दी गई सीएम की पोजीशन, पद संभालते ही उन्होंने कुछ डिसीजंस भी लिए जो चर्चा में है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का मान संभालते ही अपना पहला फैसला ले लिया इन्होंने, और इसमें पहला है धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल करना, जबकि दूसरा है खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाना। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री के इन फैसलों का काफी स्वागत कर रहे हैं जबकि कांग्रेस सवाल उठा रही है। डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं यहाँ एमपी में, उनके भी नाम आपको बता देते हैं, काफी जीप के आपको अपडेट करनी पड़ेगी। जगदीश देवड़ा एंड राजेंद्र शुक्ला 2 डिप्टी सीएम ऑफ एमपी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई लोगों का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर चल रहा था, लेकिन कई विधायकों ने दावा किया था कि सीएम के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम यहां भी आ सकता है, और वही हुआ भी। भजनलाल शर्मा बने सीएम, द बीजेपी नेम्ड प्रेमचंद बैरवा एंड फॉर्मर एमपी दिया कुमारी एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स इन राजस्थान। कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को नागपुर में
अपना फाउंडेशन डे सेरेमनी मनाएगी। इस दिन एक बड़ी रैली भी ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 139th स्थापना दिवस समारोह नागपुर में ऑर्गेनाइज करेगी। माना जा रहा है कि इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। परिवार से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाने का कभी दावा करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को विरासत सौंपने का डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जब भी किसी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी वो खुद को मेरा उत्तराधिकारी समझने लगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो उसी तरह पेश आता था। इस कंफ्यूजन को ही खत्म करने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। हालांकि कई वित्तीय मामलों में फंसने की वजह से उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी की कमान सौंपने का अहम निर्णय लिया। हालिया विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। उन्होंने कई बड़ी जनसभाएं करते हुए पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास भी किया। हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक इन राज्यों में सक्सेस हासिल नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी के लिए टली। महुआ ने अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुनवाई शुरू होते ही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्होंने याचिका को नहीं पढ़ा है, वो इसे पढ़ने के बाद ही सुनवाई करना चाहेंगे। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई। महुआ ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्तावित पारित होने को गलत बताया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के वकील को आश्वासन दिया था कि वो लोकसभा से महुआ के निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लेंगे। तो ये था इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप। मिलेंगे अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल खबरों के साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।